सचिव वेणुगोपाल ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री को लिखा पत्र। गोंडा में भगवान भरोसे जिला महिला अस्पताल में हो रही बड़ी लापरवाही। बुलंदशहर में बिजली की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में कंपनी कर्मचारी करोड़ों लेकर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने लहराया तमंचा। कश्मीरी और गाजीपुर के छात्रों के बीच झड़प। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर के टाटिया नगर चौराहे के पास प्रयागराज अयोध्या नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जा रही टूरिस्ट बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। बस में सवार 28 श्रद्धालु घायल हो गए, वहीं लगभग 14 श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में घायल सभी श्रद्धालु महाराष्ट्र के पुणे के निवासी बताए जा रहे हैं। हाँ, आज सुबह 5 बजे के आसपास में हमें सूचना मिली कि एक तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस कहीं पे पलट गई है। हमने यहाँ पर टीम को अलर्ट कर दिया। हमारे सारे फार्मासिस्ट, चिकित्सकों की टीम दवाइयों को उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए हम लोग इंतज़ार किए। लगभग 24 मरीज घायल यात्री आए जो महाराष्ट्र के थे, जिसमें 10 तो OPD बेसिस पर थे, साधारण चोटें थीं। 14 लोगों को हम लोगों को भर्ती करना पड़ा, उन्हें भी बहुत खास चोट नहीं लगी है। 4 मरीज गंभीर थे जिनको यहां से वाराणसी के लिए रेफर किया गया। हम लोग पर और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आशुतोष। आशुतोष, दुखद घटना हो गई, इसको लेकर क्या कुछ और अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये बीती रात की घटना है और ये अयोध्या से दर्शन करके श्रद्धालु वापस आ रहे थे। लगभग इसमें बताया जा रहा है टोटल जो है 28 के आसपास बताए जा रहे हैं, जिसमें गंभीर हालत तो नहीं हुई है लेकिन बड़ा हादसा होने से एक चला है। और यहाँ तक डॉक्टर ये भी बताए हैं जिनको हम लखनऊ रेफर कर रहे थे, लखनऊ ना रेफर होके ये बनारस की ओर जो है कुछ लोग वहाँ चले गए, कुछ लोग जो है सुल्तानपुर में है, जिसका सही ढंग से इलाज किया जा रहा है, उनकी खाना पोषित दी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। रायबरेली में मामूली बात में देर रात पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान में खूनी संघर्ष हो गया। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के जरौला गांव का है, जहां मामूली विवाद में खून खराबा हो गया। आपको बता दें कि विवाद में एक घायल भी हो गया, घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ना सुधरे थे ना सुधरेंगे, कुछ ऐसी ही लापरवाही की तस्वीर एक बार फिर से गोंडा से आ रही है। आपको बता दें कि जिला महिला अस्पताल से सामने आई है, जहां भगवान भरोसे अस्पताल चलता हुआ नजर आया है। वहीं जब एम्बुलेंस ने महिला मरीज को जिला महिला अस्पताल के कैंपस से लाकर छोड़ा, तो मरीज को अस्पताल तक ले जाने के लिए कर्मचारियों ने स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं कराया, जिसके बाद तीरमारदारों ने बेहाल मरीज को कंधे के सहारे अस्पताल तक पहुँचाया। ये तस्वीर ऐसे समय में सामने आई है जब एक सप्ताह पहले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने ट्वीट कर जिला महिला अस्पताल में हो रही घोर लापरवाही पर चिकित्सक सहित कुछ स्वास्थ्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की गई कार्यवाही को देखते हुए सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा ने भी जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जहाँ आशा बहुओं द्वारा मरीजों के साथ की जा रही अवैध वसूली सहित अन्य खामियों का मामला सामने आया था, जिस पर सीएमओ ने 14 आशा बहुओं की सेवाओं को समाप्त कर दिया था। इन सब कार्यवाही के बावजूद जिला महिला अस्पताल की लापरवाही है कि जाती ही नहीं है।
बुलंदशहर के शिकारपुर बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के एसडीओ के साथ की धक्का मुक्की की। आपको बता दें कि बिजली विभाग के एसडीओ को धक्का मारते और गलीवान को पकड़कर खींचते हुए किसान सभा के कार्यकर्ताओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वायरल वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्रों ने तमंचा लहराया है। विश्वविद्यालय में कश्मीरी और गाजीपुर के बीच झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद फिर से एमयू की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया। कश्मीरी छात्र नेता गृह मंत्री को वायरल वीडियो को लेकर ट्वीट किया है। वहीं इस मामले को एमयू प्रशासन वीडियो छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर कश्मीरी छात्र लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। आगरा में कैश डिलीवरी कंपनी का कर्मचारी करीब 1,36,00,000 लेकर फरार हो गया। ये पूरा मामला साईं की तकिया के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बैंक में कैश जमा कराने आए फरार कर्मचारी कैश बॉक्स छोड़े बोरे में भरकर कैश ले गए। कंपनी के अधिकारी सहित पुलिस आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपी कर्मचारी के कई ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। कई लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है पुलिस ने सबको। ड्रिंक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिनका कैश यहाँ बैंक के बड़ौदा में जमा होता था। तो उनके जो कर्मचारी थे वो कैश लेके आए थे और उनके एक कर्मचारी को यहाँ हैंड ओवर करके चले गए थे और वो कर्मचारी को पैसा बैंक में जमा करना था। लेकिन वो कर्मचारी जब शाम तक अपने कंपनी में पहुँचा नहीं, तो कंपनी वाले ने हमें सूचना दी और सूचना पे आके हम मौके पर देख रहे हैं। इसमें सभी तरह की पुलिस टीमें लगा दी गई हैं, सर्विलांस स्वाट और एसओजी सबकी टीम लगी हुई है और साथ में थाना लेवल से भी करीबन 10 टीमों का गठन किया गया है। कानपुर में चौबेपुर कस्बा में जीटी रोड के पास कई दुकानों में आग लग गई। आपको बता दें कि दमकल विभाग को आग लगाने की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों और पुलिस की सक्रियता के चलते और दुकानों की आग की चपेट में आने से बचाई गई। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे उपेंद्र। उपेंद्र, क्या कुछ और अधिक जानकारी सामने आ रही है? कानपुर के दुकानों में कई दुकानों में आग लग गई है। जी नंदन, यहाँ बता रहे कानपुर का चौबेपुर थाना क्षेत्र जो मामला है, पूछ देखे देखा तो मेन बाजार है, तो बाजार में लगभग देखा 30 से 35 दुकानें जो है उसमें आग लग गई, जिसमें देखा जाए कहीं ना कहीं लाखों का नुकसान हुआ है। पर इसके अलावा देखा जाए कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा से जुड़ा आ रहा है। अभी वो पूरी तरह से खुल के सामने नहीं आया, पर अगर देखा जाए तो जिनका नुकसान हुआ है, जो दुकानदार थे, उनकी तहरीर के आधार पर चौबेपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें एक राजनीतिक मामला जो है वो सामने आ रहा है खुल के, पर अभी पूरी तरह से कोई जाँच स्पष्ट नहीं हुआ इसका। आग लगने की क्या वजह सामने आई है? जी बता दें आपको, आग की वजह जो है ठंड के मारे अलाव जो बगल में तापा जा रहा था, उस अलाव से जो जो दुकानदार के आसपास के लोग थे वो दुकानदार आग तापे, उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं जो आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया पूरा। आप एक सोची समझी राजनीति है कि क्या है ये, तो फिर कहने की बात है, पर अगर तहरीर के हिसाब से अगर मुकदमा पंजीकृत होने के बाद कुछ दोषियों को कार्रवाई करेगी जरूर पुलिस। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।